बुलेटिन लाइव सहारनपुर से प्रभारी विक्रम वर्मा की रिपोर्ट। भूमाफिया हाजी इकबाल उर्फ बाला की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पुलिस ने एक और पुत्र को किया गिरफ्तार। ताजपुरा पुलिस ने भूमाफिया हाजी इकबाल उर्फ बाला के एक और बेटे को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर डॉक्टर विपिन टांडा द्वारा भूमाफिया के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सहारनपुर के दिशा निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक हृदय नारायण सिंह के नेतृत्व में पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त अफजाल पुत्र खनन माफिया इकबाल उर्फ बाला निवासी ग्राम पुराना मिलापुर सहारनपुर पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा था, जिसको दौराने तलाश व पतारसी सुरागरसी करते हुए मुखबिर की सूचना पर जिला कारागार सहारनपुर के गेट से समय करीब 8:30 बजे अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है। इसके विरुद्ध थाना हाजा पर करीब एक दर्जन शस्त्र अधिनियम एवं जालसाजी के आपराधिक मुकदमे दर्ज है। अभियुक्त को माननीय न्यायालय सहारनपुर के समक्ष पेश किया गया है। ब्यूरो विक्रम वर्मा सहारनपुर। जी, इसमें थाना मिर्ज़ापुर की पुलिस ने अफजाल नामक युवक को गिरफ्तार किया है, जो कि यहाँ के खनन माफिया इकबाल के सुपुत्र हैं और ये 420 और डकैती के मामले में पकड़े गए हैं। एक व्यक्ति की ज़मीन इन्होंने अवैध रूप से कब्जा की थी, जिसको कि लेकर इन्होंने मारपीट की और लूटपाट के आरोप इन पर लगाए गए थे। इस पर पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है और इनको जेल भेजा जा रहा है। जो अन्य अभियुक्त हैं वो ऑलरेडी कुछ जेल में हैं और एक इकबाल बाला जो है वो फरार हैं। उन पर जनपद पुलिस की तरफ से 25,000 का पुरस्कार है और इस इनामी रकम को बढ़ाने की आगे कार्रवाई की जा रही है और इसमें आगे इनको गिरफ्तार कर अन्य अभियुक्तों के खिलाफ भी साक्ष्य संकलन कर शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। सर, क्या जमीन के इनके कुर्के की कार्रवाई भी की जाएगी? जी, इसमें इनके खिलाफ पहले भी पूर्व में कार्रवाई की जा चुकी है और जो नए मुकदमे दर्ज हुए हैं उनके आधार पर विधिक अभिमत करते नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। सर, हाजी इकबाल पिछले काफी समय से एब्सकॉन्डेड है, उसको लेकर के क्या प्रयास आप लोगों की तरफ की गिरफ्तारी के लिए किए जा रहे हैं? कितनी टीमों का गठन किया गया है? अभी तक कहाँ कहाँ आप लोग की जाँच पहुँची है गिरफ्तारी के लिए? जी, इसमें एसपी रूरल के नेतृत्व में हमने 3 टीमों का गठन किया है और इनके जो परिवारजन हैं उनमें से ज़्यादातर लोग चूँकि अंदर हैं, जेल में हैं, तो इस वजह से जो अन्य लोग हैं इनके साथीगण उनकी जानकारी कर उनसे भी पूछताछ की जा रही है और कुछ शहर के कुछ लोग हैं जिनका नाम सामने आया है, जो कि सहयोगी की भूमिका इनके साथ निभा रहे हैं, उनकी भी पुलिस अब शीघ्र ही उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। और जो भी इन्होंने बेनामी संपत्तियाँ खरीदी है, अन्य लोगों के नाम संपत्तियाँ की है, उनकी भी जांच की जा रही है और उसमें भी नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग जेल जा चुके हैं?